माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो मेरे बेटे को देख लो, इसकी मस्ती एक अलग ही चल रही है। देखो डेविन क्या कर रहे हो बेटा, ये मेरे को काम नहीं करने दे रहा है। यही मशीन में कभी कुछ घुसा रहा है, कभी कुछ घुसा रहा है। तो मैं कर रही हूँ अपने एक सूट की कटिंग, तो मैं सूट सिलूंगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं मेरे से। मैं सूट सिल रही हूँ अपना, स्काई ब्लू कलर का, बहुत ही प्यारा सा सूट है। लाइट वेट, लाइट कलर है बिल्कुल, और इस पे छोटे छोटे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, तो काफी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं सिल लेती हूँ, कहीं आने जाने में बहुत अच्छा लगेगा। लाइट है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को सिल लेती हूँ। पता नहीं मशीन में क्या दिक्कत हो रही है, उस दिन ठीक करवाया था, बहुत जल्दी खराब हो गई है। दिमाग खराब हो रहा है, धागा छोड़ छोड़ के आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सोच रही थी सही कर लूँ, उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत सिल लूँ सूट वगैरह। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है और मैं अब कर रही हूँ। नो बेटा गंदी बात। अच्छा हाय करो, बोलो हाय। वो बाय कर रहा है, बाय। अच्छा बाय कर दो बाय बाय। नहीं हाथ से करो उससे, नहीं हाथ से करो, बाय सीधे हाथ से, बाय सीधे हाथ से करो, बाय बाय बोल रहा है वो। तो ठीक है, तो फिर मैं अपना कर लेती हूँ सिलाई और फिर फुल सूट सिल के मैं आपको फिर उसका लुक दिखाऊंगी कि मैं कैसे लग रही हूँ। और बताना कमेंट में कि आपको कि सही सिला या नहीं सिला। तो देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं बाद में थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइस मैं दाल लेके आई हूँ, तो मैं सारे दालों को अपने डिब्बों में डाल देती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये उड़द की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। तो मैं इन तीनों को रख देती हूँ। दाल भी बहुत महंगी हो गई यार, मतलब इंसान क्या खाएगा क्या नहीं, हर चीज इतनी महंगी हो गई। मैंने सारी दालें इसमें रख दी हैं। मैंने सारी चीजें यहाँ रख दी है। तो गाइस मैं लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी और ये देख सकते हो आपको कितना प्यारा लग रहा है स्ट्रॉबेरी, मजा आएगा खाने में, है ना। बाकी इसमें है तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मस्त मस्त। अरे बेटा आप ट्रैक्टर बना रहे हो, अच्छा इधर शक्ल दिखाना, क्या कर रहे हो? अरे वाह। तो गाइज मुझे धोने कपड़े तो मैंने देखो निकाल रखे हैं और मेरे दो राउंड, एक राउंड धुल गए हैं और एक राउंड मेरा भी डला हुआ है, बाकी ये दो राउंड और होएंगे, एक राउंड में ये एक राउंड में वो। तो और साथ में आज ये मेरे को ब्लैंकेट भी धोनी है, धो देती हूँ क्योंकि लग रहा है कि हल्का हल्का गंदा सा, तो मैं इस मारे ना इसको भी धो ही देती हूँ। गाइज तो मैं कल लेके आई थी चुकंदर, तो मैंने ये चुकंदर काट लिया और साथ में ये ग्रेप्स धो के, बेटा खा लो थोड़ा सा खा लो, पता नहीं इसको क्या क्या हो जाता, कुछ खाने का उसका मन ही नहीं करता। हे गाइस तो मैं बना रही हूँ रोटी, तो वो रोटी बन गई है और मेरी बनी है सब्जी, रोटी बना रही हूँ और साथ में मैंने बनाई है कटहल की सब्जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक लग रहा है, टेस्टी टेस्टी। तो मैंने कटहल की सब्जी बनाई है और साथ में मैं रोटी,
आऊंगी बेसन का चिल्ला। इसमें मैंने प्याज मिर्च मटर और साथ में इधर बेसन भी है, और अब मैं ये धनिया काटूंगी। इसमें सारी चीजें काट के फिर इसमें बेसन नमक लाल मिर्च चाट सब कुछ डाल के फिर इसको बनाऊंगी मैं चिल्ला। तो दिखाऊंगी मैं आपको फुल रेसिपी। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लो और फिर इसको हम डालेंगे तवे पे। तो मेरा तवा जो है वो गरम हो गया है। अब इस पे मैं थोड़ा तेल डालूंगी। तो इस पे तेल डाल के इसको चारों तरफ से इस तरह से घुमा लूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने इस तरह से पलट दिया है इसको, अच्छा लग रहा है ना। तो मेरा बन गया नाश्ता और मैं लेके जा रही हूँ। डाविन ए उठ जाओ, चाय पी लो, देखा सो रहा है। तो बन गया मेरा ये गर्मा गर्म चीला। फाइनली गाइस, तो मैंने बना लिया दाल, बहुत ही तड़केदार टेस्टी टेस्टी दाल बनाई है मैंने। और अब मैं बना रही हूँ साथ में चावल, शाम का दाल चावल और सब्जी। चावल मैंने निकाल लिए हैं, मैं इसको करूँगी वॉश अच्छे से। तो फाइनली गाइस, मैंने जो चावल है वो वॉश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने चावल वॉश कर लिया और मेरा जो कुकर है वो गर्म हो गया है। इसमें मैं घी डाल के और जीरा का छौंक लगाऊंगी मैं, जीरे राइस बनाऊंगी मैं। तो किस किस को पसंद है जीरा राइस। तो मैंने घी में चावल डाल दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा भी भून जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अभी घी में होगा तो इसको भून लेंगे, फिर सौंधा पानी बहुत ही अच्छा लगेगा, ये चावल बहुत टेस्टी लगेगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें से। तो तब तक अच्छे से मैं भूनती हूँ और उसके बाद पानी डाल के इसमें एक सीटी लग जाएगी, मेरे चावल हो जाएंगे रेडी। तो खाना मेरा दाल चावल सब्जी रेडी है। तो ठीक है, मैं करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।